यूपी के जनपद महाराजगंज का ये वो स्थान है जहाँ पर खनन कर रहे माफियाओं को बंद दरोगा ने रुकने का प्रयास किया तो उसकी मार मार कर हाथ पांव तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं इन निशानों में कैसे गाड़ियों का निशान नजर आ रहा है, कैसे इस जगह पे हो रही खनन को रुकने का एक दरोगा ने प्रयास किया था तो उसे मार मार कर उसके हाथ पांव तोड़ दिया गया है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर होकर जिला स्वास्थ्य विभाग चला गया है। आप देखें इन तस्वीरों में ये जिससे साफ नजर आ रही हैं कि कैसे यहाँ पे खनन हो रहा था, कैसे खनन की इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि ट्रकों और बड़े बड़े वाहनों के चक्कों की निशान और कई जगह खनन के में पानी लगी। इन तस्वीरों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह इस नौतनाव ब्लॉक क्षेत्र के चंदन नदी में इस तरह की खनन की जा रही है जो आने वाले समय में बाढ़ को दावत दे रही है। बाढ़ वो भी ऐसा कि जो भयावह होगा और आम लोगों के जान माल का खतरा बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में अगल बगल के जो बंधे हैं किस तरह से कटे हुए हैं, किस तरह कटने के बाद से यहाँ पे खनन जारी है, लगातार खनन की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कह रही है कि हम खनन पे रोक लगा रहे हैं, सपा की सरकार खनन पर रोक नहीं लगा पाई थी लेकिन हम खनन पे रोक लगा देंगे। लेकिन जिस तरह की खनन हो रही है और लगातार नौतनवा ब्लॉक क्षेत्र नौतनवा तहसील क्षेत्र में अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, अभी पूर्व में कुछ दिनों पहले SDM पर हमले हुए थे और अभी वर्तमान में बंद दरोगा पर हमला हुआ है जो मधवलिया रेंज का बंद दरोगा है। बताया बंद दरोगा की तरफ से ये जा रहा है कि यहाँ पे खनन को रोकवाने के लिए वो गया हुआ था, उसके पास टीम नहीं थी और खनन माफियाओं ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो भी सारिसन हमला था। हमला कुछ इस तरह की थी कि उसके ऊपर एक FIR दर्ज करवाया गया है। FIR में ये कहा गया है कि उसने एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया था और महिला का रेप करने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो आसपास के लोगों द्वारा बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है उसने खनन को रोकने का प्रयास किया था जो उसके जान पे आ गई और अब नौकरी पे आ गई है। यहाँ के अधिकारियों की मिलीभगत का ये साफ नतीजा है कि तत्काल उसके ऊपर FIR करा दिया जाता है और उसको रेप जैसे मुकदमे में फंसा कर उसकी नौकरी खाने की प्रयास की जा रही है। जो स्थानीय प्रशासन और अन्य लोग यहाँ पे ऐसे स्पष्ट हो जाता है कि मिले हुए हैं और वे इसको नौकरी से खारिज करवाना चाहते हैं। उसने खनन माफियाओं को तंग कर रखा था और खनन को अंकुश लगाने का लगातार प्रयास कर रहा था, जिसका खामियाजा इतना खतरनाक होगा उसने ये कभी सोचा नहीं था। आप अगल बगल की इन सारी तस्वीरों से स्पष्ट कर सकते हैं कि इस तरह की खनन होने से यहाँ पे किस तरह की क्षति होगी। इस दो तहसीलों को जोड़ने वाली ये नदी है और इस पर एक काट का पुल है। हम पुल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक काट की पुल है जहाँ से दो तहसीलों को जोड़ती है। एक तो निचलौल तहसील है, दूसरी तरफ से नौतनवा तहसील है। और यहाँ पे खनन की ऐसी कोई बात नहीं है कि पहली बार कोई जाना हो कि यहाँ पे खनन हो रहा है, इससे पूर्व में भी यहाँ पे खनन होते रहे हैं, कई बार यहाँ पे रेड भी पड़े हैं, कई बार यहाँ से ट्रैक्टर टालियाँ भी पकड़ी गई हैं पूर्व में। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह की खनन हो रही थी और जिस तरह दरोगा पे हमले हुए हैं, जिस तरह उसके हाथ पांव मार के तोड़ दिए गए हैं और उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, उससे तो यह स्पष्ट हो चुका है कि इसमें कहीं ना कहीं रेत माफियाओं की और स्थानीय प्रशासन की इतनी बड़ी मिलीभगत है कि इस खनन को वे रोकवा पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं।